चीज़ बोलना चाहता हूँ आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल मोटिवेशनल है, लेकिन मैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको जिससे मैं खुद मिला हूँ और काफ़ी अच्छा नाम है उनका और उन्होंने जो नाम कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान किस तरीके से, अगर एक आम इंसान अगर एक नेता या किसी बड़े लोगों के जो सच उजागर करने की कोशिश करता है, उसे सच पूछने की कोशिश करता है, किस तरीके से उसको दबा दिया जाता है। हमारा देश स्वतंत्र नागरिक का देश है, यहाँ पर हर कोई स्वतंत्र है, अपनी बात बोल सकता है। लेकिन मैं एक शख्स से मिला हूँ जिनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, राजीव तलवार से एक बार वो दिल्ली आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। उनका जो उल्लू टीवी चैनल है, मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूँ एक चीज़, जो कन्फ्यूजन है, एक उल्लू टीवी आजमगढ़ है और एक उल्लू टीवी है। जो उल्लू टीवी है वो सिर्फ बनाता है वेब सीरीज़, जो एडल्ट वेब सीरीज़ वगैरह जो होती है, और जो इनका चैनल है वो उल्लू टीवी आजमगढ़ है, जो कि पहले चालू हुआ था। तो मैंने इनसे पूछा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि मुझे कि आपने अपने चैनल का नाम उल्लू टीवी क्यों रखा। तो उन्होंने एक छोटी सी चीज़ बताई कि जैसे एक गधा होता है ना, वो सबसे सीधा जानवर होता है, इसी तरीके से पक्षियों में सबसे सीधा जो जानवर होता है उनके हिसाब से वो होता है उल्लू, क्योंकि रात में जाता है। फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछी कि आप जेल भी जा चुके हो, आपके गुनाह क्या था कि आप जेल गए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं 5 बार जेल जा चुका हूँ। आप सोचिए, कोई बंदा बिना गलती के 5 बार जेल कैसे जा सकता है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि कोई बड़े लोग थे या नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनसे सिर्फ क्वेश्चन करना था। लेकिन जो क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए कि इस देश में जो हो रहा है, वाकई में विकास हो रहा है, इस देश में ये क्यों हो रहा है, कोई भी गलत चीज़ होती है सबसे पहले उठते हैं और सबसे पहले लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग इनकी बात का जवाब भी देते हैं और काफ़ी सारे लोग इनके सपोर्ट में भी हैं। तो आप उल्लू टीवी जाकर इनके वीडियोस देखिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने इनको जो नाम दिया है वो क्रांतिकारी रिपोर्टर के नाम से दिया है, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है, सेफ जिस तरीके से धार था ना, उस तरीके से बोलते हैं। ये तो सबसे पहली बात, किसी से डरते नहीं हैं और जो सच्चाई होती है वो सामने बोलते हैं, अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं और बिल्कुल यूट्यूब पे डालते हैं। काफ़ी सारे लाइक्स और फॉलोअर्स भी इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपने कामकाज में लगे रहते हैं, देश में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर कोई बंदा देश के लिए हित में सोचता है लेकिन उसके पास पावर नहीं है, वो अकेला इसके लिए सोच रहा है, तो उसको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। आप उनसे अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने पे। हाँ, एक दो बार शायद बात ये भी सामने है कि गाली दी है किसी को या कुछ भी है इसलिए उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 बार वो जेल जा चुके, 1 बार जो लोग किसी को गाली देने पे जेल हो जाते, लेकिन ऐसा क्यों है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे यूट्यूब पे, 50 लोग गालियाँ देते हैं उनकी वीडियो। तो यार, जो वल्गैरिटी बना रहा है लोगों को हंसाने के लिए, वल्गैरिटी बना रहा है लोगों को हंसाने के लिए, लोग हंस रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा, लोगों से सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो इंसान सच्चाई बोल रहा है, अपने देश के लिए बोल रहा है, अगर वो एक छोटी सी अगर कभी किसी पर्टिकुलर इंसान को गाली दी नहीं, अगर गुस्सा अपना दिखाता है या शो करता है, वो अपने मोबाइल पे अपने वीडियो शूट कर रहा होता है, तो उससे जेल हो जाती है। ऐसा क्यों? हमारा देश स्वतंत्र नागरिकों का देश है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का हक है। अगर आप एक पर्टिकुलर इंसान को किसी को अपशब्द कह रहे हो तो आपको शिकायत करने का पूरा हक है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे हो, एक सच्चाई बता रहे हो, अपनी पावर नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सच्चाई को पावर से दबा दिया जाता है। अभी आप चल रहे होंगे दिल्ली में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके से इसको मिसयूज़ करते हैं। हम एक आम इंसान हैं लेकिन हमारा पूरा हक है लोगों से बात जानने का, और हमें अपनी इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस को, अपनी पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनको भी अपना काम तरीके से करना चाहिए ताकि लोग उनसे डरे नहीं। और हमारी पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, ना कि किसी को परेशान करने की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारी पुलिस हमारी रक्षा के लिए, हमारी इंडियन आर्मी, हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े नेता होते हैं या लोग होते हैं या कोई बिजनेसमैन होता है, अगर वो गलत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक आम इंसान को मिलती है। तो आप इनके यूट्यूब पे जाके देखिए। मुझे इसका प्रमोशन करने का कोई पैसा वैसा नहीं मिला है, लेकिन मेरे दिल ने कहा इनको इनके लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है जो सच्चाई के लिए लड़े और अकेले लड़े। इनका एक स्कूल है, रत्ना पब्लिक स्कूल, जो कि इनकी वाइफ संभाल रही हैं, क्योंकि ये अब स्कूल में नहीं संभालते हैं तो इनकी वाइफ संभाल रही है। अब समाज सेवा वगैरह ये सब करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इंसान, अगर आप नॉर्मल, कोई पोजीशन नहीं है आपकी, आप एक नॉर्मल इंसान हो या मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन हो या टीचर हो, अगर आप अपने देश की लड़ाई के लिए अगर अकेले बढ़ोगे और अगर आपका कोई साथ नहीं देगा तो सामने वाला इंसान कमजोर पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करिए, क्योंकि एक आम इंसान ही
आम इंसान के लिए लड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, मेरा सपोर्ट इनके साथ पूरा है, क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग जगते हैं कि नहीं जगते हैं, यू नो मैंने इनसे एक बात ये पूछी थी कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप उनसे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो उन्होंने एक ही बात की थी, मैं लोगों को जागरूक नहीं कर रहा हूँ। वो उनकी मर्जी है, मैं लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। वो उनकी मर्जी है, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि नहीं समझते। वो दिल्ली में आए थे, JNU वगैरह में गए थे, काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ उनके देखे थे जो जहाँ पे लोग कुछ लोग मजाक भी उड़ाते पीछे से। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जो लोग मैं उनके लिए एक बात कह रहा हूँ, जो लोग पीछे से मजाक उड़ाते ना, एक बार सड़क पर उतर जाओ रिपोर्टिंग करने के लिए, पता चल जाएगा। जो आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना, वो क्रॉस क्वेश्चन करता है ना, तब समझ में आती है कितना आसान नहीं होता रिपोर्टिंग करना। जो मीडिया, बड़े बड़े मीडिया लोग होते हैं, अगर वो अपना जो बड़े बड़े मीडिया चैनल होते हैं, जैसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैं भी बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ, मुझे बहुत सारे चैनल्स पसंद हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, तरीके से काम कर रहे हो, उसी तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन इनका लेवल बड़ा नहीं है। लेकिन आप अगर सपोर्ट करोगे तो एक आम इंसान आप इंसान के लिए लड़ सकता है। और पावर होना इस देश में पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक बंदा होता है उसके साथ 100 बंदे होते हैं, उसकी पावर अपने आप बढ़ जाती है। तो हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें पूरा हक है सच जाने का। और हमें कभी भी अपने देश के लिए जो गलत बोले उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी माता है, भारत माता जय। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जिस भूमि में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ की रोजी रोटी हमारी चलती है, तो हमारा भगवान सबसे पहले वही हुआ। इसलिए हम भारत माता का जय सबसे पहले बोलते हैं, और उसके बाद हमारे मम्मी पापा आते हैं, क्योंकि माँ बाप भी हमें यही सिखाते हैं, जिस देश में आप रह रहे हो आपका सबसे पहले जो कर्तव्य है अपने देश के लिए, तो अपने देश के लिए कर्तव्य निभाओ। राजीव तलवार की तरह आप भी डटकर खड़े होइए, अपना सच लोगों से जो हमारे देश में चल रहा है वो देखिए, समझिए, और न्यूज जरूर देखिए। जब आप न्यूज देखते हैं ना, तो आपको जब देश में हमारे चल रहा है ना, तो जरूर पता चलता है। और एक चीज आप बताइए कि अगर आप मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, आपको मतलब ही नहीं देश में क्या हो रहा है। जहां पर आप नौकरी कर रहे हो ना, उस देश के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आसपास का माहौल क्या है, तो आप कभी ना कभी धोखा जरूर खाओगे, पछताओगे, कभी ना कभी हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप फंस जाओगे। तो कोशिश करो कि जो आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलो और न्यूज़ वगैरह देखो, ताकि लोगों को पता चले। तो राजीव तलवार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जैसे और लोग भी हो जाएं तो इस देश की करप्शन जो है मिटना तो खैर नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, धीरे धीरे करके मिट जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो करप्शन को कम कर सकें और लोगों को दिखा सकें कि करप्शन किस तरीके से क्या हुआ। ध्यान रखना, एक सिंगल आदमी जब करप्शन करना छोड़ेगा तभी पूरा देश एंटी करप्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करप्शन रहेगा नहीं हमारा देश, और हमारा देश बहुत अच्छा होगा। टाइम लगेगा। हमारे मोदी जी को देख लीजिए, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको देख लीजिए, मन की बात करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जनता के सवाल आएँ और वो उस सवाल को जवाब दें, और वो देते हैं। तो आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की आवाज़ नहीं दबा सकते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए पूरी तरीके से। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका मन है जिस मर्जी से, चाहे वो CM हो, चाहे PM हो, चाहे कोई भी हो, आप क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद। और राजीव तलवार जी, ऐसे ही आप काम करते रहिए, और हमारे लोगों से, देशवासियों से मतलब अनुरोध है कि आप अपने देश के लिए सोचें और थोड़ा टाइम अपने देश के लिए भी निकालें और जागरूक जरूर बने।